के एच सिंबल ग्रामर करेंगे, ये लीट कोड की प्रॉब्लम है, मीडियम है ना, डिफिकल्टी लेवल इसका लीट कोड पे। सो हम लोग का फ्लो क्या रहेगा, हम लोग पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनपुट और आउटपुट देखेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना भाई दावे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इसको करने में। फिर हम लोग इस पर आई बी एच मेथड लगाएंगे और फिर हम लोग कोड करेंगे। कोड तो सबसे पहले आता है इस पर इनपुट आउटपुट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो इनपुट आउटपुट में क्या है, हम लोग को एक एन और के दो नंबर दे रखे होंगे, ठीक है, दो इंटीजर दे रखे होंगे, दो इंटीजर वैल्यू दे रखी होगी। और जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है कि केथ सिंबल ग्रामर है ना, तो हम लोग को इससे ग्रामर जनरेट करनी है। अब इस एन और के से हम लोग को ग्रामर जनरेट करनी है। अब वो ग्रामर कैसे जनरेट करनी है उस पर आते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ग्रामर जनरेट करने के लिए कुछ रूल बताए हैं। ग्रामर क्या है इन लोगों की, कि इन्होंने रिकर्सिवली डिफाइन करी है, इन्होंने अपनी ग्रामर रिकर्सिवली डिफाइन करी है। क्या बोला है इन लोगों ने, इन्होंने बोला एक तो इन्होंने बेस कंडीशन दे दी है, बेसिकली इन्होंने बोला कि अगर एन इज इक्वल टू वन है और k इज इक्वल टू वन है तो हम लोग को जीरो रिटर्न करना है, ठीक है, ऐसा कुछ है। यहाँ पर ये n जो है वो डिफाइन करेगी रो और k डिफाइन करेगा कॉलम, ठीक है, ये k ऐसा कॉलम में रहेगा और n डिफाइन करेगी रो, इंडेक्सिंग वन से है, n इज इक्वल टू वन एंड k इज इक्वल टू वन, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि अगर तुम n रो पे जनरेट करना चाहते हो कुछ भी, तो तुम्हें n माइनस वन रो को देखना पड़ेगा, ठीक है, रिकर्सिवली डिफाइन करा है। इन्होंने बोला कि अगर पहली वाले रो में ज़ीरो है तो उसका तुम n रो में ज़ीरो वन कर दो, और पहली वाली रो में अगर n माइनस वन रो में और यहाँ पर n रो में अगर वन है तो उसका वन जीरो कर दो। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि बेस कंडीशन क्या है, n इज इक्वल टू वन और k इज इक्वल टू वन और ये ज़ीरो। तो अगर हम लोग को n इज इक्वल टू टू जनरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ज़ीरो का इनके इस रूल के हिसाब से ज़ीरो का ज़ीरो वन करना है, तो हम लोग ज़ीरो वन कर देंगे। कूल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर k इज इक्वल टू वन और ये हो जाएगा k इज इक्वल टू टू। आ रही बात समझ में? ऐसे अगर हम लोग आगे करेंगे तो आगे क्या है, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो वन हो गया। फिर n इज इक्वल टू थ्री के लिए करेंगे तो इस ज़ीरो को हम लोग को क्या करना है, ज़ीरो वन। तो हम लोग इसका ज़ीरो और वन लिख दिया इस ज़ीरो का, फिर इस वन का हम लोग को क्या करना है, वन ज़ीरो। कुल इसको हम लोग वन और ज़ीरो कर देंगे, तो ये हम लोग की n इज इक्वल टू थ्री वाली रो हो गई। और ये कॉलम में k इज इक्वल टू वन है, ये टू, दिस इज़ थ्री, दिस इज़ फोर। ओके, आई होप समझ में आ रहा है कि हम लोग ग्रामर को जनरेट कैसे करेंगे। तो अब इसमें रिकर्सन का है, इसमें रिकर्सन का है बेसिकली। इसमें कुछ वैसी बात नहीं है कि यार चॉइसेस या फिर डिसीजंस वाली बात नहीं है ना, इसमें चॉइसेस और डिसीजन वाली कोई बात नहीं है। इसमें इन लोगों ने डिफाइन ही जो प्रॉब्लम है, इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को उन्होंने खुद ही रिकर्सिवली डिफाइन करा हुआ है ना। इसमें ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करना इतना कठिन नहीं है कि चॉइस या डिसीजन है या ऐसा नहीं है, इन्होंने डिफाइन ही रिकर्सिवली करा हुआ है। कूल, चलो ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इनपुट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया, अब हम लोगों को देखना है कि आउटपुट में क्या प्रिंट कराना है। तो आउटपुट के लिए इन लोगों ने क्या बोला कि तुम लोगों को ये ग्रामर जनरेट करनी है। तो ये n इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू वन ज़ीरो, फिर ज़ीरो वन हो जाएगा, फिर इस ज़ीरो का क्या हो जाएगा, इस वाले ज़ीरो का ज़ीरो वन, और इस वाले वन का हो जाएगा वन ज़ीरो, फिर ऐसे इस ज़ीरो का हो जाएगा ज़ीरो वन और इस वाले वन का वन ज़ीरो। ऐसे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो वन, ठीक है। तो ये ग्रामर जनरेट कर ली। एक बार ये ग्रामर जनरेट कर चुके हो तुम, तो इन्होंने बोला कि ये जो n और k गिवन होगा क्वेश्चन में, तो तुम लोगों को क्या करना है, इस वाली n वाले रो पे आना है। मान लो अगर n दे रखा है 4, 3, ठीक है, तो ये होगी n इज इक्वल टू वन, दिस इज n इज इक्वल टू टू, दिस इज n इज इक्वल टू थ्री एंड दिस इज n इज इक्वल टू फोर। कूल, तो हम लोग को 4 पे आना है, तो n इज इक्वल टू 4 मतलब ये वाली रो, और फिर k इज इक्वल टू 3, तो दिस इज k इज इक्वल टू 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हम लोग को इस पे जो भी होगा उसको रिटर्न करना है आउटपुट में। तो आउटपुट में बेसिकली या तो ज़ीरो आएगा या तो वन आएगा, खाली एक ही बिट आ सकती है बेसिकली, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो का ज़ीरो वन कर रहे हैं, फिर वन का वन ज़ीरो कर रहे हैं, ज़ीरो को ज़ीरो वन कर रहे हैं, तो हमेशा ज़ीरो वन ही होगा और कुछ नहीं आ सकता है ना। तो हम लोग को ऐसा आउटपुट में देना है, समझ में आ गया। ये जो हम लोग आए यहाँ पर एन दे रखा था 4, तो हम लोग 4th रो पे आ गए, और इसके बाद के इज इक्वल टू दे रखा था 3, तो हम लोग 3 इस पे आ गए कॉलम पे। कूल, और जो भी यहाँ पर हम लोगों को दे रखा था गिवेन है यहाँ पर 1, तो हम लोगों ने 1 को रिटर्न करा दिया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो इनपुट आउटपुट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, ठीक है, कि n और k दिया होगा, उससे हम लोग ग्रामर जनरेट कर देंगे। उस ग्रामर में जो भी n और k कॉलम बोला होगा, ये n है और ये अगर k है, तो ये वाला जो नंबर है उसको हम लोग को आउटपुट में देना है। कूल, अभी हम लोग आ जाते हैं अपने आई बी एच मेथड पर। ये बस मतलब वन फॉर ऑल मेथड है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो ये तो लगेगा ही लगेगा।
है, तो IBH पे आते हैं। तो अब मैंने बोला मुझे एक फंक्शन, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन डिज़ाइन करूँगा, मान लो नाम रख दिया मैंने उसका सॉल्व, और इनपुट में हम लोगों को क्या दे रखा है, एन और के दे रखा है, राइट। तो ये इनपुट में एन और के लेगा, और मुझे रिटर्न क्या करना है, ये बेसिकली एक डिजिट रिटर्न करनी है, एक बिट, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, है ना। तो ये आउटपुट में 0 या 1 रिटर्न कर देगा, जो भी उस एन वाले रो में और जो भी उस के वाले कॉलम में आएगा, ये उसको रिटर्न करके यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या होता है हाइपोथेसिस का, दिस वॉज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या रहता है कि मैं यही काम करूँ, ये फंक्शन को डिफाइन करूँ स्मॉलर इनपुट पर, है ना। ये स्मॉलर इनपुट ना थोड़े वाइजली चूज़ करने होते हैं। अभी तक तो क्या था, बड़े आसान क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, खाली तुम लोगों को फील दिलाने के लिए कि हाँ कैसे काम करता है, कि एरे है तो एरे का एक हटा दिया और बाकी इस पर कॉल कर दिया, स्टैक है तो स्टैक का ये हटा दिया। पर ये कभी कभी क्या है, थोड़े वाइजली चूज़ करने पड़ जाते हैं। तो अभी इसमें इनपुट क्या है, स्मॉलर इनपुट क्या है, इनपुट ही क्या है, पहले ये बताओ, एन और के है तो इसको स्मॉल करना है। तो हम लोग एन का, एन क्या डिनोट कर रहा है, बेसिकली एन डिनोट कर रहा है रो, ठीक है। तो अगर ये एन रो है तो मैं इसको स्मॉल कर सकता हूँ, एन माइनस वन रो पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अब मैंने सॉल्व फंक्शन लगाया और मैंने बोला कि ये एन कॉमा के पे लगाया हुआ है, तो ये मुझे आउटपुट में 0 या 1 रिटर्न करके देगा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसको मैं स्मॉलर इनपुट पे लगाता हूँ, तो मैं एन माइनस वन पे लगा देता हूँ। अभी के का क्या स्मॉल करना है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर पे आते हैं, है ना, थोड़ी देर से आते हैं। तो अभी इसका क्या है, ये मुझे 0 या 1 रिटर्न करके दे देगा। अब इंडक्शन स्टेप में क्या होता था, इंडक्शन स्टेप में मैं क्या करता था कि मुझे जो स्मॉलर इनपुट से, इस वाली फंक्शन कॉल से जो आंसर आया है, इस आंसर में थोड़ा बहुत कोड और मिला के मैं इस वाले जो इनपुट कॉल, जो मुझे आंसर चाहिए था इस वाली इनपुट कॉल के लिए, मैं आंसर निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को ये इंडक्शन स्टेप है। और अभी ये रह गया कि के की क्या वैल्यू स्मॉल करें। हमने उन्होंने सोचा कि एन तो सही है, चलो एन है, और एन तो ये रो बता रहा था, तो एन माइनस वन क्या है, प्रीवियस रो बताएगा, ठीक है। पर हम लोग के जो है, के को के माइनस वन नहीं कर सकते, क्यों, बेसिकली अगर तुमने ध्यान दिया होगा यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल्स देखो क्या है। यहाँ पर अगर 0 है तो फिर 0 1 हो रहा है, ठीक है, फिर 0 1 1 0 हो रहा है, फिर 0 1 1 0 और 1 0 0 1, ठीक है। अगर मान लो हम लोग n इज इक्वल टू 4 पे थे, तो यहाँ पर दे रखा था 4, 6, तो ये हो गया 1, इंडेक्स ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, तो ये वाला इंडेक्स है ना। तो अगर हम लोग ने n माइनस वन किया तो हम लोग 6 इंडेक्स, और तुम सोचो कि k माइनस वन कर लेते हैं, तो n माइनस वन तो ये रो हो गई ना, और इस रो में तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 4, तो k माइनस वन क्या होगा, 5 इंडेक्स, और इस पे 5 इंडेक्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो k को थोड़ा वाइजली स्मॉल करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी स्मॉलर वैल्यू रखती, कि k का k माइनस वन कर दिया और n का n माइनस वन कर दिया। n का n माइनस वन करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पिछली रो एग्जिस्ट करती है, पर k का k माइनस वन थोड़ा देख के करना पड़ेगा कि वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, है ना। चलो तो दो क्वेश्चन रह गए हमारे पास, दो क्वेश्चंस रह गए, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, पहला तो क्या कि हम लोगों ने सॉल्व फंक्शन डिफाइन कर लिया n कॉमा k पे, फिर हम लोगों ने स्मॉलर इनपुट पे सॉल्व डिफाइन किया n माइनस वन, और इस k की वैल्यू क्या लें, दिस इज लेफ्ट, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंडक्शन स्टेप। अगर मान लो हम लोगों ने कुछ k की वैल्यू ले भी ली, उसके बाद यहाँ से 0 1 आ भी गया, तो उस 0 1 को हम कैसे इंड्यूस करेंगे और इस सॉल्व n कॉमा k में कैसे आंसर में चेंज करेंगे, ठीक है, इंडक्शन स्टेप रह गया। चलो अब ये प्रॉब्लम ना, ये प्रॉब्लम क्या है, ये डिपेंड करती है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर, सही बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स देखने के लिए ही है। कुछ भी इसमें मैं नहीं कर सकता, इसमें ना कोई इंटरव्यू कुछ कर सकता है, इसमें जो करना है तुम्हें करना है, क्योंकि ये केवल सोली डिपेंड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, है ना। चलो अभी देखते हैं। तो तुम लोगों ने नोटिस करा क्या कुछ ग्रामर में, चलो मैं एक बार ग्रामर तुम्हारे लिए फिर से लिख देता हूँ, कि 0 फिर 0 1 0 1 1 0 एंड 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है, ये ग्रामर हो गए, कूल। अब मैं चाह रहा हूँ एक बार वीडियो पॉज करो यहाँ पर एंड सोचो कि यहाँ पर तुम्हें कुछ ऑब्जर्व हो रहा है क्या, और नहीं हो रहा तो अनपॉज करके देखो, ठीक है। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि हर एक रो क्या है, इस रो में 1 है तो इस रो में 2 हो जाएगी लेंथ, इस रो में 4 हो जा रही है लेंथ, और इसमें 8 हो रही है। तो हर बार लेंथ जो क्या है, वो लेंथ प्रीवियस रो में जो भी है उसकी 2x टाइम हो रही है, और वो ऑब्वियस भी है क्योंकि हम लोग 0 का 0 1 कर रहे हैं और 1 का 1 0 कर रहे हैं। तो जितनी भी बिट पहले हैं उसके उसकी जगह पर 2 बिट रख रहे हैं सिंगल बिट की जगह, तो डबल तो होनी होनी है, ठीक है, पहली बात तो ये है। तो लेंथ हर एक रो में डबल हो रही है,
चलो बढ़िया है। अब एक और चीज, दिस इज एन इज इक्वल टू 4 है ना, तो एन इज इक्वल टू 4 पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग उसको हाफ में डिवाइड कर दें यहाँ से, तो इसका जो फर्स्ट हाफ है वो एकदम सेम है इसके पुराने वाले हाफ के, तो इसमें जो आगे का फर्स्ट हाफ है वो इसके पूरे बराबर है, एकदम सेम वही अपन ने कॉपी करा है। कूल। अब बचा ये हाफ, मतलब अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एन इज इक्वल टू 4 में कोई सा भी के आता है तो वो के किसके बराबर होगा, वो एन इज इक्वल टू 3 में के बराबर होगा। कूल। चलो एक बार मैं फिर से दो रो लिख लेता हूँ, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, तो एन इज इक्वल टू 3 क्या है 0 1 1 0, एन इज इक्वल टू 4 क्या है, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ऑब्जर्व बहुत अच्छी सी बात ऑब्जर्व की कि जो एन इज इक्वल टू 4 का फर्स्ट हाफ है वो एकदम डिट्टो सेम है एन इज इक्वल टू 3 के। कूल। तो अगर मेरे पास इसमें से कोई भी के आता है 1 2 3 4, बेसिकली इसके मिड, अगर मैं इसका मिड निकालूँ जो इसकी लेंथ थी, जो इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी 8, तो इसके मिड से पहले या इक्वल 4, इसका मिड निकालोगे तो 8/2 इज इक्वल टू 4 है ना, तो 4 से पहले कुछ भी आ रहा है तो 4 के इक्वल है, 4 से पहले कुछ भी आ रहा है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, एन इज इक्वल टू 3 रो के बराबर। ठीक है चलो, अगर मेरे पास के इसमें आ जाता है तो मैं आराम से ये n-1 कॉल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिक्कत वाली बात कहाँ पर है, यहाँ पर। अब मैं इस वाले हाफ में अगर के आता है तो मैं क्या करूँगा, अब फिर से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, क्वेश्चन होता है कि इस वाले हाफ में आता है, इस वाले में, इस वाले पोर्शन में आता है तो क्या करना है ना, तो इसमें भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स लगेंगी तुम्हारी। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही टेस्ट करी जा रही है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इसका एलिमेंट है ना एन इज इक्वल टू 3 का, उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, 0 का 1 कर दिया, इस 1 का 0 कर दिया, इस 1 का 0 कर दिया और इस 0 का 1 कर दिया। तो बेसिकली मेरे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, मेरे पास एक कंक्लूजन, बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकल के आया कि मेरे पास अगर किसी भी रो में है ना, अगर ये एन रो है, तो इस एन रो में अगर मैं पहले तो इसकी लेंथ निकालूंगा, एन रो की लेंथ निकालूंगा और उसमें मिड निकालूंगा, तो मैंने बोला कि इस मिड से पहले जो भी इधर आता है वो क्या होगा, n-1 रो के एकदम सेम होगा। ठीक है, तो मुझे अगर इसमें से कोई भी के चाहिए, इस कहीं से भी मिड से पहले तक का कोई के चाहिए, तो वो किसके इक्वल होगा, n-1 के बराबर है ना। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं सॉल्व यहाँ पर करता हूँ इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पर एन और के, तो वो किस में रिड्यूस हो सकता है, सॉल्व n-1 और के में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगर के कहाँ पर है, के इफ के इज लेस देन या इक्वल टू मिड, अगर ये कंडीशन है के इस मिड से पहले आता है यहाँ पर, तो वो एकदम इसके इक्वल हो जाएगा। वॉट इफ मिड के बाद आ रहा है, अगर मिड के बाद आ रहा है तो भी कोई टिपिकल बात नहीं है, तो क्या होगा कि बेसिकली ये वाला चीज इसके संग मैप हो रही है ना, ऐसा कुछ मैपिंग चल रही है, आ रही बात समझ। और मैप के साथ साथ क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है उसका, नॉट हो रहा है। कूल। तो मैंने बोला कि अगर लेट्स से इसके पहले आ रहा है तो सीधी सीधी मैपिंग ऐसी हो जाएगी, ठीक है, इस वाले एरिया में आता है, इस वाले एरिया में आ रहा है तो मैपिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, बेसिकली यहाँ पर जो इंडेक्स है उसमें से यहाँ पर कौन सा इंडेक्स है, 5, यहाँ पर क्या है 6, यहाँ 7, यहाँ 8, तो 5 मैप हो रहा है किसके संग, 1 के संग, ऐसे 6 मैप हो रहा है 2 के संग, 7 हो रहा है 3 के संग और 8 हो रहा है किसके संग, 4 के संग, आ रही बात समझ। ओ सॉरी, तो मैंने बोला कि 5 मैप हो रहा है इसके 1 के संग, ऐसे ये 6 मैप हो रहा है 2 के संग और 7 मैप हो रहा है 3 के संग और 8 मैप हो रहा है 4 के संग। कूल। तो करना क्या है, बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, जो भी यहाँ पर 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे दे रखा है उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो मैपिंग कैसे हो रही है, 5 जो है, अगर मैं उसमें से ये जो मिड है ना, ये बेसिकली ये पार्ट जो है ये निकाल लूँ, तो ये इंडेक्स क्या होता है, ये भी 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, बेसिकली हम लोग ये जो इसका हाफ है आगे का हाफ वो हटा दें इससे, तो वो इसके संग मैप हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर यहाँ पर मैंने क्या बोला, इफ़ के इज लेस देन इक्वल टू मिड आ रहा है तो सिंपल मैपिंग हो गई। सॉल्व क्या करना है, अगर एन कॉमा के सॉल्व करना है तो वो सॉल्व कर दो तुम एन और के माइनस वन, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो अच्छे से मैप हो जाएगा इस वाले पार्ट के संग, है ना। मैंने बोला एल्स ऐसा नहीं है, अगर के जो है वो इस वाले एरिया में कहीं पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, सॉल्व एन कॉमा के क्या होगा, बेसिकली सॉल्व n-1, सॉरी यहाँ k-1 लिख दिया, यहाँ n-1 होगा। ठीक है, तो सॉल्व n-1 में मैं इस वाले रो में जाऊँगा,
और मैपिंग क्या हो रही है, ऐसे मैपिंग हो रही है। तो मैपिंग क्या हो रही है, इसमें अगर के इंडेक्स है तो इसमें कौन सा इंडेक्स है, के माइनस मिड। आ रही बात समझ, क्योंकि हम लोग ये आगे का पूरा ये फर्स्ट हाफ जो है वो हटा देंगे। तो अगर इसमें के इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर इंडेक्स आ रहा है के माइनस मिड। तो एन माइनस वन रो में के माइनस मिड इंडेक्स जो है वो सॉल्व कर लेंगे। और उसका क्या करना है हम लोगों को, इस वाले अगर ये यहाँ पर जीरो है तो वो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर वन आ रहा है, तो उसका हम लोग को नोट करके देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सो बेसिकली ये हो गया हमारा इंडक्शन स्टेप, जो हमारे दो क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन क्या कहते, क्वेश्चन वन था कि भाई के को कैसे रिड्यूस करना है। तो के को ऐसे रिड्यूस करना है, वो डिपेंड कर रहा है कि के किस एरिया में लाई कर रहा है। अगर के इस एरिया में लाई कर रहा है तो के को रिड्यूस करना ही नहीं है। सॉल्व एन और के पे लगाया था तो एन माइनस वन और के पे लगा दो। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ना कि के को कैसे रिड्यूस करना है। एन को तो समझ में आ गया था कि एन का तो एन माइनस वन होगा, पर के का क्या होगा। अब के अगर इस वाले एरिया में लाई कर रहा है तो एन कॉमा के था तो एन माइनस वन और के माइनस मिड। तो के को कैसे रिड्यूस करना है वो भी समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि एक बार हाइपोथेसिस हम लोगों ने ऐसे कॉल कर ली, मतलब तो बेसिकली एक फंक्शन कॉल कर ली एन कॉमा के पे, सॉरी पहले सॉल्व करना था हम लोग को एन कॉमा के पे। तो हम लोग ने उसके अंदर स्मॉल इनपुट पे दो फंक्शन कॉल करी, सॉल्व करा एन माइनस वन और के पे, कब, जब ये मिड से लेस है के। और एल्स सॉल्व करा मैंने एन माइनस वन और के माइनस मिड पे। ठीक है, ये कब क्या है, जब के ग्रेटर देन मिड है। सिंपल। तो ये दोनों मैंने क्या बना ली, ये मेरी हाइपोथेसिस वगैरह हो गई। अब इंडक्शन स्टेप में क्या है, इंडक्शन स्टेप सिंपल है कि ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो है इसके नॉट के इक्वल होगा। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका कोड कर लेते हैं। कुछ भी टिपिकल नहीं है, कुछ भी टिपिकल नहीं था। अब इसका स्पीड में कोड करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि मैंने एक फंक्शन बनाया। क्या फंक्शन डिफाइन किया था मैंने, सॉल्व फंक्शन डिफाइन किया था जो कि एन और के पे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसको क्या रिटर्न करना था, या तो जीरो या वन, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। तो मैंने फंक्शन बना लिया इंट, ये इसका रिटर्न टाइप हो गया, सॉल्व एन कॉमा के। कूल, इंट एन और इंट के है ना, वो सब तो लिख दोगे डेटा टाइप। अभी देखो, फिर मैंने बोला कि अब इसकी बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो बेस कंडीशन तो इन लोगों ने प्रॉब्लम ही दे रखी थी कि एन इज इक्वल टू वन है और के इज इक्वल टू वन है, तो रिटर्न जीरो करो और उसी से फिर तुम जीरो वन करो, फिर जीरो का जीरो वन करो, फिर वन का वन जीरो करो, ऐसे बनाते जाओ। तो बेस कंडीशन क्या हो गई, ये बेस कंडीशन हो गई, इफ़ एन इज इक्वल टू वन एंड के इज इक्वल टू वन, रिटर्न क्या करना है, जीरो। ये बेस कंडीशन हो गई। फिर मैंने बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आके देख लेते हैं थोड़ा सा, कि मैं अगर एन रो पे हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मुझे डिफाइन करना है कि ये जो सॉल्व फंक्शन है एन कॉमा के पे, उसको मैं इस स्मॉलर इनपुट पे लगाऊंगा। ठीक है, एन माइनस वन पे लगाऊंगा, पर वो डिपेंड करता है कि वो के कहाँ लाई कर रहा है, के या तो मिड के इधर लाई कर रहा है या तो मिड के उधर लाई कर रहा है। अब बात आती है मिड निकालने की, मिड कैसे निकालोगे। मिड बेसिकली क्या है, मिड इज इक्वल टू लेंथ बाई टू। अब लेंथ क्या है इस वाले रो में, इसकी लेंथ क्या आ रही है, तो एक बार ग्रामर जनरेट कर लेते हैं फिर से। ग्रामर क्या थी हम लोग की, ग्रामर कुछ ऐसी थी, ज़ीरो फिर ज़ीरो वन फिर ज़ीरो वन वन ज़ीरो और ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, ये एन इज इक्वल टू वन था, ये एन इज इक्वल टू टू था, एन इज इक्वल टू थ्री एंड एन इज इक्वल टू फोर। ठीक है, तो बेसिकली जो एन इज इक्वल टू वन है तो लेंथ क्या है, वन है, टू है तो लेंथ क्या है, टू, थ्री है तो लेंथ है फोर, और फोर है तो लेंथ है एट। मतलब ये क्या, टू की पावर वन, ये टू की पावर जीरो, दिस इज़ टू की पावर टू, दिस इज़ टू की पावर थ्री। तो बेसिकली क्या लेंथ आ रही है, जितने भी टू की पावर एन जो नंबर ऑफ रो माइनस वन है ना, फोर रो के लिए थ्री आ रही है ना टू की पावर, ऐसे थ्री रो के लिए टू की पावर टू आ रही है, तो टू की पावर एन माइनस वन आ रही है, तो ये लेंथ आ जाएगी। और लेंथ एक बार आ जाएगी तो अपॉन टू कर देंगे तो मिड आ जाएगा। कूल, तो यहाँ पर सबसे पहले अब लेंथ निकालते हैं कि ये जो रो है इसकी लेंथ क्या है, उसके बाद हम लोग मिड निकालेंगे। तो मिड क्या निकालना है, मिड बेसिकली क्या आ जाएगा, इंट मिड निकालूँ अगर मैं तो वो आ जाएगा टू की पावर एन माइनस वन है ना। तो पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हो या जो भी जिस लैंग्वेज में तुम कोड कर रहे हो उसमें वैसे हिसाब से कर लेना। तो ये आ जाएगी लेंथ और अपॉन टू कर देंगे तो मिड आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो के है, जो इस सॉल्व फंक्शन में के दे रखा था ना, ये वाला के, ये कहाँ लाई कर रहा है, ये इस हाफ में लाई कर रहा है या फिर इस हाफ में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये के लाई कर रहा है मिड से आगे वाले हाफ में, मतलब इस हाफ में लाई कर रहा है, तो सिंपल है क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये जो है
बेसिकली अगर ये आगे वाले हाफ में लाई करता है, ठीक है, ये अगर आगे वाला हाफ है तो ये हाफ एकदम सेम है इस ऊपर वाले हाफ के, ठीक है, तो ये रो एन थी, ये रो एन माइनस वन की सेम है, तो रिटर्न कर देंगे हम लोग सॉल्व फंक्शन एन माइनस वन और के, ठीक है। पर अगर ये इस वाले हाफ में लाई नहीं कर रहा है, अगर ये इस वाले हाफ में लाई कर रहा है, तो क्या करना है, एल्स कंडीशन में हम लोग को इसका ऐसा मैपिंग ऐसे हो रही है ना, मैपिंग कुछ इस तरीके से हो रही है, तो अगर यहाँ पर के है तो वो मैप हो रहा है के माइनस मिड में, ठीक है, और रो कौन सी है, एन माइनस वन, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे सॉल्व एन माइनस वन और के माइनस मिड। और एक काम और करना था हम लोग को, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जो भी आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट होकर यहाँ पर आ रहा है, तो हम लोग उसका नोट कर देंगे। कूल, सिंपल, ख़त्म हो गया भाई, इतना सीखो। शुरू में हम लोग जब इसको स्टार्ट कर रहे थे प्रॉब्लम को, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रही थी भाई ये ग्रामर है, ये ग्रामर कैसे जनरेट होगी, जीरो है फिर जीरो वन, जीरो का जीरो वन करना है, वन का वन जीरो करना है, बस इसमें क्या लगा, कुछ भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स लगी और अपना IBH मेथड लगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेरे ख्याल से, 70%, 30% तो IBH है ना, तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्या बोला मैंने, तो मैं जल्दी से सम अप कर लेते हैं। मैंने बोला कि भाई हम लोग को ऑब्जर्व करने में ये समझ में आ गया कि अगर मैं nth रो पे हूँ और यहाँ पर n माइनस वन रो है, और n माइनस, ये हर बार क्या हो रही है, रो की लेंथ 2x टाइम हो रही है ना, जो भी प्रीवियस में अगर n माइनस वन में 4 थी तो यहाँ पर 8 लेंथ हो जाएगी, तो अगर मैंने ये देखा कि ये वाला जो हाफ है वो एकदम सेम यहीं पर कॉपी हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कॉपी हो रहा है, मिड से पहले वाला एकदम सेम कॉपी हो रहा है, और पर मिड के बाद वाला क्या है वो ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट होकर कॉपी हो रहा है, ऐसे मैपिंग हो रही है और कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वही मैंने उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन लिख दिए कि जो आगे वाले पार्ट के लिए क्या होगा, सॉल्व एन और के जो है वो सीधा सीधा मैप हो जाएगा सॉल्व एन माइनस वन और के में, और पुराने वाले मैप के लिए क्या है, मतलब पुराने वाले पार्ट के लिए क्या है, इस वाले पुराने वाले पार्ट के लिए, मतलब लास्ट सेकेंड हाफ के लिए एन और के जो है वो कैसे मैप हो रहा है, वो सॉल्व प्रीवियस रो एन माइनस वन और के माइनस मिड से मैप हो रहा है, कुछ ऐसी मैपिंग हो रही है ना डायगनल टाइप की, के माइनस मिड के संग मैप हो रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, बस इतनी सी बात है, वही हम लोगों ने कोड में यहाँ पर करा हुआ है, ठीक है। ये रहा फंक्शन हम लोग का, इंट एन और के, रिटर्न टाइप इंट रखा, ये बेस कंडीशन तो गिवन थी, फिर हम लोगों ने मिड निकाल लिया और फिर यही दो काम कर दिया, एक बार फंक्शन ऐसे अगर के लेस देन है मिड के, और एक बार अगर के मिड से ज़्यादा है तो हम लोगों ने उसका कॉम्प्लीमेंट करा और फिर उसको रिटर्न कर दिया। कूल, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, कुछ भी टिपिकल नहीं था इस प्रॉब्लम में, ऑल यू नीड इज सम ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है, चलो फिर अगर समझ में आ गया हो तो थैंक्स। इसका कोड और नोट्स वगैरह पैट्रियन पेज पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, थैंक यू, एंड यू कैन सपोर्ट मी ऑन माई पैट्रियन पेज। Still me against the world, free speech without reserve. It's still me against the church. There is demons in my words. When I'm dreaming up a verse, I can hear them screaming.